हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी यूएमएस सीपीएनईटी 2024 का एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं, उनका पेपर पैटर्न और न्यू सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत से बच्चों का कमेंट्स आ रहा था, कल एक स्टूडेंट्स आया था हमारी साइंस की लाइव क्लास में, उन्होंने पूछा था यूपी यूएमएस का सर सिलेबस बताइए। तो देखिए, आज ये जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सिलेबस का वेट कर रहे थे, सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे कि सर क्या सिलेबस होगा, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो में इसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में जो सीपीएनईटी का एग्जाम्स होता है, कॉमन फार्मेसी एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। प्यारे बच्चों, नर्सिंग के लिए और फार्मेसी के लिए ये कॉमन टेस्ट होता है, इसको बोला जाता है सीपीएनईटी, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में ही लिया जाता है, अलग से उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा यह अलग से लिया जाता है यह एंट्रेंस एग्जाम। 2024 में क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या नया पेपर पैटर्न है, क्या न्यू सिलेबस है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और मेन जो बात करेंगे वो सिलेबस को लेकर तैयारी कैसे करें, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, फॉर्म फिल हो चुके हैं, कि सर तैयारी कैसे की जाए, क्या क्या सब्जेक्ट्स आती है हमें, वन बाई वन सर हमें बताइए। तो प्लीज़ आप ना वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखना, मैं वन बाई वन डिटेल्ड एनालिसिस में सारी चीज़ें आपको वन बाई वन बताता रहूँगा, ठीक है। कैसे आपको तैयारी करनी है, कहाँ से पढ़ना होगा, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आपको पढ़नी होंगी प्यारे बच्चों, लेकिन आपको ये करना होगा वीडियो को एंड तक बिना स्किप करते हुए देखना, पूरी जानकारी दूंगा मैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, आपकी फ़ीस क्या रहेगी, कॉलेजेज के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में, फॉर्म फीस क्या रहेगी, आपके एग्जाम्स कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा, आपकी कब काउंसलिंग होगी, कैसे आपके एडमिशन होंगे, सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल्ड में दूंगा, लेकिन वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखना प्यारे बच्चों। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं आया तो एक बार लाइक कर दीजिए। चलते हैं फिर टॉपिक की तरफ, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन वाउचर है जो कि यूपी यूएमएस के द्वारा निकाला गया है, संयुक्त फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा, जिसको सीपीएनईटी बोला जाता है, कॉमन फार्मेसी एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। सीपीएनईटी 2024 का ये वाउचर है प्यारे बच्चों, देखिए यूपी यूएमएस मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला गया है, सैफे में जो कि लोकेटेड है, ओके। अब देखिए आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँ, सबसे फर्स्ट में तो आप देखिए यहाँ पे 2024-25 में प्यारे बच्चों जो एडमिशन है उनके लिए यह सीपीएनईटी एग्जाम रखा गया है। और देखिए आपके जो फॉर्म है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब से भरे गए थे आपके, 24 जून से फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। 24 जून से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 9 जुलाई उनकी लास्ट डेट थी जो कि खत्म हो चुकी है प्यारे बच्चों। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया वो एंट्रेंस एग्जाम आसानी से दे सकता है, ठीक है। अभी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है प्यारे बच्चों, जैसे ही एग्जाम डेट आएगी तो डीबी प्रो एजुकेशन आपको है ना तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। आपने अगर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया तो डीबी प्रो एजुकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल और इंस्टा के साथ में भी आप जुड़ सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा ताकि आपको वहाँ से तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल सके। प्यारे बच्चों, डीबी प्रो एजुकेशन है ना, वो आपको अगर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली वीडियो के माध्यम से नहीं पहुंचा पाता है तो क्या है, इन्फॉर्मेशन आते आते आपको तुरंत ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है टेलीग्राम के में। काफ़ी बार क्या होता है कि वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए बच्चों तक इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुँचानी होती है तो टेलीग्राम के माध्यम से पहुँचा देते हैं। तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कीजिए, जैसे ही एग्जाम डेट आएगी, जैसे ही यूपी यूएमएस सीपीएनईटी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी अपडेट आएगी, मैं तुरंत आप तक पहुँचाने का कार्य करूँगा। सबसे पहला काम होगा मेरा आप तक ये कार्य, यह इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप अगर डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, ये चैनल एकमात्र चैनल ऐसा है प्यारे बच्चों जो कि आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी तुरंत आप तक पहुंचाएगा, जो एक एक्यूरेट एक्चुअल जो जानकारी होती है ना वो आपको देने का कार्य करता है। अब देखिए, अगर आप वेबसाइट से ये वाउचर डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हो, यूपी यूएमएस उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो, या आपकी हेल्पलाइन ईमेल रहेगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप इस पर ईमेल करिए, ठीक है। आपके या तो फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत हुई हो, आपको अगर और भी कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो, जैसे आगे एंट्रेंस एग्जाम्स में सिलेबस ही कोई भी, कभी कभी क्या होता है कि सिलेबस भी आउट पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चंस बाहर से डाल दिया जाता है, तो आपको हेल्पलाइन ईमेल दे रखी है, इस पर आपको कांटेक्ट करना होगा, इस पर ईमेल करना होगा, आपको हेल्पलाइन नंबर भी यूनिवर्सिटी ने मेंशन किए हैं, ठीक है, आप इन पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखिए हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, मेन हमारा टॉपिक है उसकी बात करते हैं, आपको ऑनलाइन आवेदन 24 जून से जो कि मैंने आपको बता दिया। तो देखिए महत्वपूर्ण सूचना देख लीजिए, सबसे फर्स्ट में तो आपकी जो वेबसाइट है ये रहेगी, ठीक है। आपकी वेबसाइट मैंने आपको बता दिया है, केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। सीपीएनईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है इसमें केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। देखिए और क्या है इन्फॉर्मेशन, देखिए आप सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वन बाई वन, ठीक है, वन बाई वन सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए किस किस के लिए एग्जाम रखा गया है, भाई बी फार्म के लिए, फार्मेसी में ओनली फॉर बी फार्म है, डिप्लोमा इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है,
डिप्लोमा इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ओनली फॉर बी फार्मेसी के लिए, ठीक है। बी फार्म जो कि एक 4 वर्ष का कोर्स होता है, इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। टोटल सीटों की संख्या होती है प्यारे बच्चों एक कॉलेज में 60 होती है, ठीक है। टोटल सीटों की संख्या कितनी होती है एक कॉलेज में, 60 होती है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, शैक्षणिक योग्यता प्यारे बच्चों 10+2 किसके साथ होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ के, यानी PCV या फिर PCM आपके होना जरूरी है। 11th और 12th में आपके पास में PCV और PCM है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। अगर आपके पास में PCV नहीं है अदर सब्जेक्ट से हो तो आप वी फार्म का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो प्यारे बच्चों। और एज क्राइटेरिया देखिए, एज क्राइटेरिया आपका क्या है भाई, 31 दिसंबर 2024 तक आपकी एज है वो 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए प्यारे बच्चों। 31 दिसंबर 2024 तक आपकी एज है वो 17 ईयर अगर कंप्लीट होती है तो आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप वी फार्मेसी करने के लायक हो प्यारे बच्चों, एलिजिबल ओ आप बी फार्म करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है सर नर्सिंग की, GNM के मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें भाग लेते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स GNM के भाग लेते हैं। तो GNM में देखिए आप, नर्सिंग का कोर्स है 3 साल का होता है और इसमें 60 सीटें होती है एक कॉलेज में, ओके। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग रहता है प्यारे बच्चों, इसमें इंग्लिश होना जरूरी है, 10+2 में इंग्लिश से पास आउट होना जरूरी है विद 40% मार्क्स। अगर आपके 40% मार्क्स है तो आप आसानी से एग्जाम दे सकते हो, आप एलिजिबल हो। अगर आपके 40% मार्क्स नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको इंग्लिश होना जरूरी है 10+2 में। अब देखिए और क्या कह रहा है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इंग्लिश इंडिविजुअली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि इंग्लिश आपके पास में जरूरी है। और क्या है, और देखिए आप यहाँ से, और देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, हैविंग 40% मार्क्स और वोकेशनल ANM कोर्स, यानी आपने अगर ANM करके GNM को फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको 40% मार्क्स वहाँ पे भी जरूरी है। और देखिए क्या है, इंग्लिश में 40% मार्क्स है ना, और CBSE बोर्ड से होना जरूरी है भाई, CBSE बोर्ड से। साइंस वाला आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकता है, देखिए ANM वाला कर सकता है। और SC ST के लिए 5% रिलैक्स दिया गया है, 5% छूट दी गई प्यारे बच्चों। आप देखिए 17 साल का बंदा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है, 17 से कम नहीं कर सकता है, इनमें दोनों में एज क्राइटेरिया सेम है, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे ANM देखिए, ANM जिसको क्या बोला जाता है, डिप्लोमा इन ऑक्जिलरी नर्स मिडवाइजरी बोला जाता है, जो केवल गर्ल्स के लिए होता है, महिलाओं के लिए, ठीक है। इसमें बॉयज एलिजिबल नहीं होते हैं, इसमें ओनली फॉर गर्ल्स एलिजिबल होती है। 2 साल का यह कोर्स होता है, इसमें 50 सीटें होती है टोटल, और 10+2 में साइंस स्ट्रीम से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर PCB PCM आपके पास में तो भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे प्यारे बच्चों आर्ट वाला स्टूडेंट्स, कॉमर्स वाला स्टूडेंट, एग्रीकल्चर वाला भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ANM कर सकता है। आप देख सकते हो 10+2 में आर्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट से भी आप ANM कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सेम है, एज 17 ईयर्स कंप्लीट होना जरूरी है आपकी, ठीक है। एज 17 ईयर कंप्लीट होना जरूरी है, इंग्लिश में 40% मार्क्स होना जरूरी है आपके, ठीक है, 10+2 में। अब देखते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी के मेन जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जो मेन फिक्स है हमारे उनके बारे में हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए नीचे आ दिए, स्किप अप करते आइए भाई, देखिए स्किप करते रहिए। देखिए एक मिनट में आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो आपके आवेदन शुल्क OBC के लिए 3000 रखा गया है भाई। OBC और जनरल वालों के लिए, OBC और जनरल वालों के लिए आवेदन शुल्क 3000 है, बाकी SC ST के लिए आवेदन शुल्क 2000 रखा गया है, ओके। अब सिलेबस की हम बात करेंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, देखिए आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल का रहने वाला है भाई। देखिए एग्जामिनेशन शेड्यूल आप यहाँ पे देख सकते हो, दिनांक एवं समय अभी वेबसाइट पर आपको सूचित कर दिया जाएगा, अभी भाई साहब लागू नहीं की है, ठीक है। आपके एग्जाम डेट है वो अभी बताई नहीं गई है, तो जैसे ही एग्जाम डेट आएगी हम आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे पास में, एग्जाम डेट लागू होगी, जैसे ही एग्जाम डेट आएगी मैं तुरंत आप तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। अब भाई प्रश्न पत्र में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, मेन जो टॉपिक है बच्चों का यह है कि सर कौन कौन सी सब्जेक्ट इसमें पूछी जाती है एग्जाम में, और कैसे एग्जाम होता है, कौन कौन सी लैंग्वेज में इसमें एग्जाम्स होता है वो हमें बताइए। तो देखिए सबसे फर्स्ट तो मैं आपको कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों, देखिए PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ इसमें ये सब्जेक्ट्स पूछी जाती है, PCB वाला PCB आएगी, ठीक है। और अगर PCM वाला स्टूडेंट है उसको PCM आएगी, जिसमें प्यारे बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों होते हैं 30-33 नंबर की रहेंगी, 33-33, और बायोलॉजी और मैथ रहेगी हमारी 34 नंबर की प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका पेपर सेकंड में आपके देखिए क्या होगा, ओनली आर्ट और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए प्यारे बच्चों। देखिए क्या है यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश और GK दोनों यहाँ पे पूछे जाएंगे, हिंदी इंग्लिश और GK। अब जनरल स्टडी में प्यारे बच्चों साइंस भी आती है, नॉर्मल साइंस आती है, जनरल स्टडी में मोस्टली क्या आती है, साइंस आती है, GK में आती है
लेकिन जीके कम आते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, जनरल स्टडी यानी जनरल साइंस, ठीक है, जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन, जनरल साइंसेज में ज़्यादातर पूछी जाती है। तो 60 नंबर की आपके ये होगा। जो सेम क्या है, जो यूपी का जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था जो कि कैंसिल हो गया है ना प्यारे बच्चों, यूपी जीईटी, उसका सामान्य सेम सा ये सिलेबस है, 20 प्लस 60, ठीक है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बी फार्म और जीएनएम एएनएम के लिए पीसीबी और पीसीएम होना जरूरी है, ठीक है। 10+2 में पीसीबी और पीसीएम होना जरूरी है बी फार्म जीएनएम और एएनएम के लिए। और दोस्तों और बात आती है कि पर्सनली एएनएम और जीएनएम के लिए, देखिए यहाँ पे एएनएम और जीएनएम के लिए अदर स्ट्रीम एज मेंशनड, देखिए यहाँ पे मेंशन यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, अदर हेल्थ केयर साइंस इज एलिजिबल फॉर जीएनएम एएनएम, वोकेशनल स्टडी इन दी अदर स्ट्रीम इज नॉट एलिजिबल फॉर जीएनएम एएनएम, ठीक है। आर्ट कॉमर्स वाला स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकता है भाई एएनएम जीएनएम के लिए, लेकिन यहाँ पे फार्मेसी में कौन सा स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, फार्मेसी में आपका ओनली फॉर साइंस वाला और मैथ वाला स्टूडेंट ही एलिजिबल है, ठीक है। अब देखिए आरक्षण, आरक्षण आप देख सकते हो, आरक्षण यहाँ पे क्या दे रखा है, आरक्षण हेतु शासन के द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुपालन किया जाएगा, ठीक है। अभी लागू नहीं किया गया, आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया मैंने आपको वो बता दिया, 5% एससी एसटी के लिए छूट है। आपका एडमिट कार्ड है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ओके, एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। देखिए परीक्षा परिणाम और ऑनलाइन काउंसलिंग, काउंसलिंग और परिणाम प्यारे बच्चों आपको यूनिवर्सिटी की साइट पर सूचित कर दिया जाएगा कब परीक्षा परिणाम घोषित होगा, ठीक है। काउंसलिंग होगी तब मैं आपको सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। काउंसलिंग में आपके 500 रुपये के जमा कराने पड़ेंगे, ओके, 500 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। और देखिए आपकी 36,400 टोटल फीस रहने वाली है फार्मेसी की, और 25,000 फीस रहने वाली है आपकी जीएनएम की, ठीक है, जीएनएम एएनएम की आपकी 25,000 फीस रहेगी, 36,000 आपकी फार्मेसी की फीस रहेगी। अब डिटेल्ड मैं आपको बता दूंगा, काउंसलिंग के टाइम आपके 500 रुपये लगेंगे। देखिए देखिए आपके यहाँ पे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए भाई, एडमिशन प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, सीपीएनईटी प्रवेश पत्र एवं अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। आप काउंसलिंग करवा के जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पर जरूरत पड़ेगी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए प्रवेश पत्र ले जाना जरूरी है, अलॉटमेंट लेटर ले जाना जरूरी है, जन्मतिथि प्रमाण पत्र जिसको हम क्या बोलते हैं, जन्मतिथि प्रमाण पत्र यहाँ पे आपका जरूरी होगा, ठीक है, एवं अंक पत्र। तो यहाँ पे जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र यानी आपको 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट ये ले जाना जरूरी होगा, ठीक है, 10th और 12th की मार्कशीट, इंटरमीडिएट यानी वही 10th 12th की हो गई, अगर आपने बीएससी या अन्य किसी कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप वो ले जाना जरूरी है। अगर आपने कर रखी है, नहीं कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आप छोड़ सकते हो, ठीक है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है, अगर स्वतंत्रता संग्रामी के आश्रित हैं तो उनको उनका ईडब्ल्यूएस ले जाना जरूरी है, ठीक है, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए आप। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी है भाई, चरित्र प्रमाण पत्र, टीसी आपका माइग्रेशन, ठीक है, टीसी और माइग्रेशन और जुडिकल स्टाम्प पेपर पर रैगिंग नहीं करने के संबंधी शपथ पत्र भी आपको ले जाना जरूरी होगा, जो कि जनरली नहीं लेते हैं उसको, तो ठीक है, जनरल होता है तो आप ले जाओ तो ठीक, नहीं ले जाओ तो ठीक। आधार कार्ड की फोटो प्रति आपको जरूरी होगी। अब देखिए प्यारे बच्चों अब आती है फीस, मेन बात क्या आती है फीस बच्चों की, तो देखिए प्रशिक्षण शुल्क क्या रहेगा आपका, तो यहाँ पे देखिए आप वी फार्म वालों की फीस रहेगी आपकी 36,400 जो कि अभी मैंने आपको बता दिया, 36,400, ठीक है, डिग्री है, डिग्री के लिए 36,400 फीस है। आप देख सकते हो प्रवेश शुल्क 2,000 रुपये, प्रशिक्षण शुल्क 12,000 रुपये और कौशन मनी आपकी 10,000 जो कि वापस में रिफंड होगी, ठीक है, रिफंड होगी। कौशन मनी क्या होती है प्यारे बच्चों, 10,000 आपको वापस मिल जाएंगे यानी आपकी 26,000 टोटल फीस लगेगी ये, ठीक है। अन्य शुल्क आपका 12,400 रहेगा, टोटल आपका 36,400 जिसमें से 10,000 रिफंडेबल होंगे। अब डिप्लोमा के लिए बात करें, अगर हम जीएनएम एएनएम के लिए, तो यहाँ पर टोटल फीस आपकी 25,000 रुपये रहेगी प्यारे बच्चों, ठीक है, 25,000 रुपये की। अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी लेते हो तो हॉस्टल फैसिलिटी आपके टोटल कितनी जुड़ जाएगी भाई, हॉस्टल फैसिलिटी आपकी 49 रुपये जुड़ती है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट होगा, ठीक है, आपको हॉस्टल फैसिलिटी सभी कॉलेजों में प्यारे बच्चों 49 रुपये जुड़ती है, जो कि आपका रहना उसमें ही है, प्लस में आपका लाइट बिल पूरे ईयर का होता है, 49 रुपये आपका पूरा ईयर का होता है, ठीक है, आपको 49 रुपये हॉस्टल का फीस लगेगा अगर हॉस्टल लेना चाहते हो तो आप, ओके, हॉस्टल अगर आप लेना चाहते हो तो आपको 49 रुपये फीस लगेगी आवासीय छात्रों हेतु, ठीक है। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था प्यारे बच्चों, मेन बात थी हमारी किसकी, मेन बात थी हमारी सिलेबस की, ठीक है, मैंने आपको सिलेबस बता दिया है क्योंकि एक छात्रा थी, कोई गर्ल्स स्टूडेंट्स थी कुछ मौर्य नाम से, उन्होंने कल कमेंट किया था, तो उनके कमेंट को लेकर मैंने यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कराया है, सर यूपी यूएमएस सीपीएनईटी की एग्जाम्स में कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आएंगी, तो उनको लेकर प्यारे बच्चों मैंने आप तक ये वीडियो पहुँचाया है। और जो भी वीडियो आपको चाहिए भाई, जो भी आपको कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो चाहिए, क्योंकि डीबी प्रो एजुकेशन परिवार एकमात्र स्थान है जो कि बच्चों की डिमांड पर वीडियो प्रोवाइड कराता है प्यारे बच्चों, आपको जिस
टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपका जो भी डाउट है, आपका जो भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट करके हमें बताइए। अब प्यारे बच्चों, सभी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दिया जा सकता क्योंकि कमेंट्स काफ़ी आते हैं, तो रीड सबको कर लेते हैं, फिर सभी का एक कॉमन निकाल के सबको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप कमेंट जरूर करना आपका क्या डाउट है, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक के साथ प्यारे बच्चों। और भी अगर कोई डाउट रहा है आपको CPNET से रिलेटेड, और आपको पता है GNM नर्सिंग, ANM नर्सिंग और VSC नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल सबकी प्रिपरेशन DB प्रो एजुकेशन पर करवाई जाती है प्यारे बच्चों, तो आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो DB प्रो एजुकेशन परिवार के साथ में जुड़िए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स से, रिलेटिव से उनका भी डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। आप उनको भी सजेस्ट करिए DB प्रो एजुकेशन परिवार से स्टडी करने के लिए, ओके, उनको भी सजेस्ट करिए और DB प्रो एजुकेशन परिवार के साथ में उनको भी जोड़िए प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।